नमस्कार, IMNB न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म की वाहक छत्तीसगढ़ की प्रदेश नव नियुक्त गौदूत देवेश मिश्रा ने आज एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता की है। प्रदेश गौदूत देवेश मिश्रा ने बताया है कि राष्ट्र धर्म संस्कृति के अविरल विकास की जननी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के उद्देश्य से गौ माता की रक्षा करने का महान संकल्प का अभियान प्रारंभ है। देश के चारों पीठों के पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य शारदा पीठ दौरे का सदानंद सरस्वती जी महाराज और गोवर्धन मठ पुरी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आदि इसको सफल बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में गौदूत नियुक्त किए गए हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने का है। इससे जहां एक ओर हमारे गौवंश सुरक्षित होंगे, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में जो अकस्मात भूकंप, ज्वालामुखी और तरह तरह की परेशानियां आती है, उससे भी निश्चित रूप से हमें मुक्ति मिलेगी। हमारे देश के सभी पूज्य चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने एक धर्म संसद बुलाई और उसमें यह निर्णय लिया प्रयागराज में